अरे राम मुझे सोता ही या जागा था बड़े आदमी की तरह चलना अचल के मजा आ गया बस पहुंचे पंडित जी के पास छुपे अल्लाह मियां की भैंस हेलो कौन हो तुम वही छोकरे क्या करने आए हवलदार साहब हमें पंडित नेहरू जी से मिलना है पंडित जी से मिलना चलो आओ रचू क्या हुआ सीधे अंदर क्यों ले चले गए बोला क्या था इसे खुजली आई तो बाहर से मेरी कनपट्टी खुजला डाले तो ऐसी की तैसी पर यार तोप ने भी तो पीछे शोर मचा दिया था कब करतूत इसकी है तोप के बच्चे की अरे मैं कवर साहब हूँ मुझे तोप कहा तो मैं जान से मार डालूंगा अरे भाई बस करो ना कोई और तरकीब सोचो कैसे मिले पंडित जी से ऐसी तरकीब लड़ाओ ऐसी कैसी तरकीब जिसे पंडित जी मिल जाए अरे ये तो कोई अफसर मालूम होता है अरे मरा क्यों जाता है खड़ा रह चुपके से ये किसने रखे हैं वो ये हमें क्या मालूम और किसको मालूम है ये इलाका पहले पहाड़ी था ना श्रीमान जी कुछ पत्थर पड़े रह गए पहाड़ी क्या सड़क में हो गई हम लोग खुद भी यही सोच रहे थे क्यों भाई ये सब तुम्हारी बदमाशी है उठाओ ये पत्थर हमने रखे हो तो उठाए तुम ही ने रखे हैं उठाओ नहीं तो मैं क्या करोगे मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा जा जा किराए का छकड़ा उठा के लाया कहीं तो हम पे रोक जमाता है शहर तो इधर आओ मेरी बात सुनो पहले कसम खाओ मारोगे नहीं मैं ईश्वर की कसम खाता
जानते भी हो यूं चलती सड़क रोक देना जुर्म? नहीं नहीं तो सुनो, अगर तुम ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए तो कम से कम 6 महीने की जेल हो जाएगी। हमें सजा नहीं हो सकती। हमने तो पत्थर पंडित नेहरू की मोटर के लिए रखे हैं। पंडित नेहरू की मोटर? हाँ, नेहरू चाचा की। नेहरू चाचा से क्या काम है? उनके पास रतन की फरियाद करना है। मेरे बापू को फांसी लग रही है और वो बेगुनाह है। तो फिर देखो, सुनो मेरी बात, ये मामला अदालत का है, पंडित जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। कर भी सके तो ये तरीका नहीं। कायदे की बात ये है, तुम उन्हें चिट्ठी लिखो और वक्त मांगो। मुझे यकीन है उन्हें वक्त हुआ तो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे और रतन की मदद करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम चिट्ठी लिखेंगे। चलो हटा दो ये पत्थर। शुरू कैसे हो? अरे लिखो ना पंडित जी, आपने अपने बंगले के बाहर क्या क्या उदबलाया खड़ी कर रखी है। ये लिखने से फायदा? हम लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। ऐसे आदमियों की शिकायत करेंगे, क्या पता उनके रोकने से कितनों को फांसी मिल गई हो। मत करो ऐसी बातें। हाँ दीदी, जब फांसी मिल गई तो फिर लिखने से क्या फायदा? तुम्हारी तो अकल मारी गई। इधर उधर की बातें लिखने की जगह काम की बातें लिखो। तो फिर लिख दो। पंडित जी, रतन के बाप को बचाओगे या नहीं? लिखो, उसे बचाओ नहीं तो रतन भूखा मर जाएगा। अरे लिखो, रतन के पास गवाही है। और लिख दो उसके पोटली में, जब जी चाय देख लो। लिख दो, रतन के बाप ने कत्ल नहीं किया। लिख दो, कैसे का दादा कहते हैं, उससे कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो फिर खाक कमड़ी पहले चने देके पड़ा है स्कूल पे। देखो जी, मेरे स्कूल को कुछ कहो, कुछ तो शर्म करो। मैं नहीं लिखूंगा, लिखना जिसका दिल चाहे। मेरे लिए लिख दो। रतन कह रहा है आप तो शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। मैं लिखता हूँ और तुम कोई बीच में मत बोलो। कोई नहीं बोलेगा। पंडित जी जय हिंद। पंडित जी जय हिंद। रतन के बाप से झूठा इल्जाम लगा है। जब उसने कत्ल नहीं किया तो फिर सरकार उसे क्यों फांसी दे रही है? उसकी गवाही भी है, घसीटा दादा की। उसने गवाही दी तो मर गया और गवाही रतन की पोटली में है। आप टाइम देवे तो आवे, जल्दी करना, बार बार ताकीद है। खत को तार समझना, नहीं उसके बापू को फांसी हो जाएगी। भोला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस्टर लाल, वो खत तुम्हें मिला? जी हाँ, खत तो ये रहा, लेकिन इस पर भेजने वाले ने अपना पता नहीं लिखा। पता लिखा होता तो सीआईडी ऑफिस में क्यों भेजते? नोट करो, इस पर फैज बाजार पोस्ट ऑफिस की मोहर लगी हुई। जिसका मतलब ये है कि लिखने वाला दरियागंज के आसपास कहीं रहता होगा। लेकिन दरियागंज में तो हजारों लोग रहते हैं। सुनो लाल, जैसा कि पता चलता है ये खत किसी बच्चे ने लिखा है। जो समझता है उसका बाप बेगुनाह है। दूसरा ये, आपने तौर पर पंडित जी से मिलने की कोशिश कर रहा होगा। मैं मामले की तह तक पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा सुप्रिंटेंडेंट साहब। मुझे से ज्यादा और क्या खुशी हो सकती है कि एक बेगुनाह आदमी को मौत के मुंह से बचा लूं। थैंक यू। कैसे हो हरिराम? तो ठीक है। फांसी से पहले तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसे तुम पूरा करना चाहते हो? ख्वाहिश तो जीने वाला करे, मरने वाला क्या करे। फिर भी हरिराम, भी क्या दे रखा, कितना अच्छा होता कि मेरा रत्न पढ़ लिख के बड़ा हो जाता, उसका शादी ब्याह हो जाता। एक बार मैं अपने पोते को गोदी में खिला लेता तो मेरी जान बड़ी शांति से निकल जाती। आगे आगे बाजा, पीछे पीछे मेरी अर्थी, और ऊपर से गरी छुआन की छूट। और अब तो वो अपने जोगा भी नहीं। मैंने एक बार उसे मिला दी, एक बार मैंने मेरे लिए रोने वाले के लिए मिला दी। अच्छा हीरा, जरूर मिला दी। कोई खत नहीं आया पंडित जी का। नहीं, ये भोला ही था जो कहता था बच्चों से बड़ा प्यार करते। चाचा को तो बहुत खुश होते। अरे नहीं, कोई बात हो गई हो। बात क्या दीदी, हम बच्चे हैं ना, इसलिए उन्होंने चिट्ठी फाड़ के फेंक दी होगी। अगर मसीता मिल जाता। मसीता? वो कौन बदमाश है? वो बदमाश नहीं। तो फिर कौन है, क्या काम करता है? जेबें करता। दादा भी तो यही काम करते थे, पर उन्होंने मेरे लिए अपनी जान दे दी। हो सकता है भैया, कभी कभी ऐसे आदमी बहुत काम आते। जब भी तू कहा था घसीटा दादा ने, दिल्ली जाकर मसीता से मिल लेना।
वो तुम्हें पंडित जी से मिलवा देगा। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? मैं समझा तुम मिलवा दो। रहता कहाँ है मसीता? दरियागंज में। और ये दरियागंज तो यही है। सचमुच जेबे काटता है? हाँ। उसकी शक्ल कैसी है, मोटा है या दुबला? मालूम नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मसीता का नाम तो सुना है यार। तो फिर जा ढूंढो उसे, नहीं पंडित जी का मिलना मुश्किल है। हाँ दीदी चलो भाई। मैं लच्छू गोपर रतन दरियागंज फतेहपुरी में ढूंढते हैं। मिट्टू कुंदन शंकर और अब्दुल जामा मस्जिद की तरफ। बाबूजी आप बता सकते हैं इस तरफ कोई मसीता रहता है? ये क्या बता। ओ मारा क्या? अब मिल जाएगा मसीता। कैसे? ऐसे आओ मेरे साथ। मेरे पास 200 रुपए है, 200 सेठ ने दिए हैं डाकखाने में जमा कराने के लिए। अबे सेठ के पैसे पकड़ लिया है। मेरे पास 40 रुपए अपने हैं, 3 पत्ती खेल के जीता है इक्के वालों से। जरा होशियार रहना जेब से। जा जा मसीता जैसा पॉकेट मार भी मेरी जेब के पास फटक नहीं सकता। अरे आहिस्ता बोल, कहीं मसीता ने सुन लिया सफाया हो जाएगा। अरे मसीता तो क्या, मसीता का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं जानते मसीता दिल्ली का सबसे बड़ा पॉकेट मार। अब जा बजा 56 मसीता मेरी जेब में पड़े। अरे यार अभी तक तो एक भी मसीता नहीं मिला। मेरा बापू जिस जेल में था उसकी दीवार इतनी ही ऊंची थी, ये दीवार बीच में ना होती तो मैं अंदर जाकर देखता। हरि राम जी, मुझे अफसोस है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तुम्हारा बेटा तुम्हारे शहर से लापता है। लापता? अपना घर छोड़ के कहाँ चला गया होगा? आपने कोशिश नहीं की होगी। कोशिश तो बहुत की हरिराम। किधर मेरे बेटे ने मुंह कर लिया? ना जाने किस किस ने उसको धसकारा होगा। ये क्या दीदी, सिर्फ 2 रोटियां? हाँ। आज की जगह 6 हुई, 6 की 4 और अब 4 की 2। हाँ। रतन का काम जल्दी ना किया तो 2 भी ना मिलेगा। मतलब भूखा मरोगी? क्या करो, धंधा जो बंद कर रखा है तुम लोगों ने, जल्दी से रतन का काम बनाओ फिर कमाने जाओ, पेट भर के खाओ। ये बात है तो कल से हम काम जाएंगे और कहीं नहीं। मैं भी जाऊंगा। मैं भी। ये पेट और 2 रोटियां, भूखे पेट से रतन का काम नहीं होगा। तो बेहती के अंडे भरा क्यों जाता है?